नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में अनलॉक 6 में मंदिरों को खोलने की इजाजत मिल गई। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा का आयोजन सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। पंडालों में माता रानी विराजेंगी। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि साल 2020 में दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं हुआ था। उस समय भारत समेत पूरे विश्व पर कोविड-19 का संकट था। अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो एक बार फिर से मंदिरों को खोलने की बात कही गई है, साथ ही दुर्गा पूजा के आयोजन की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि बिहार में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार पंडालों में माता की प्रतिमाएं स्थापित हो सकेंगी। कोरोना का खतरा कम होने के बाद बिहार सरकार ने धार्मिक आयोजन की अनुमति दे दी है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ होता आया है। इस दौरान भव्य पंडाल और दिव्य मूर्तियों की स्थापना की जाती है। राजधानी पटना के अलावा भी अन्य जिलों के लोग पटना दुर्गा पूजा में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान पटना ही नहीं, राज्य में कहीं भी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन नहीं हो सका था। बस परंपरागत तरीके से पूजा पाठ की अनुमति दी गई थी। इससे लोगों में मायूसी थी। इस साल कोरोना ने भारी तबाही मचाई। अप्रैल से जून महीने तक कोरोना की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन सरकार की तत्परता, कोरोना वैक्सीन और लोगों की सावधानी से अब कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इस बार पंडाल लगाने के लिए लाइसेंस लेने में आयोजकों को मुश्किल नहीं होगी। बिजली कनेक्शन भी पहले जैसी ही व्यवस्था से मिलेगी, लेकिन आयोजकों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। पटना जिला प्रशासन ने उन्हें पंडाल लगाने की अनुमति तो दे दी है, इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश भी दिया गया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की माने तो कोरोना की आशंका के कारण सरकार के स्तर से तो व्यवस्था रहेगी ही, लेकिन आयोजकों को अपने वॉलंटियर के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। लाइसेंस लेने के बावजूद ऐसा नहीं करते पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में यह साफ साफ कहा गया है कि पंडाल निर्माण और कलश स्थापना से लेकर प्रतिमा निर्माण और दर्शन के दौरान कोविड प्रबंधन की शर्त का अनुपालन करना होगा। मास्क और सैनिटाइजर और उचित दूरी का पालन जन सुरक्षा के लिए जरूरी है। पंडाल में ऐसे कार्टून का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा जिससे किसी की भावना को चोट पहुंचे। नवरात्रि का पर्व कलश स्थापना से आरंभ होता है। शरद नवरात्रि में 7 अक्टूबर 2021 को कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पर्व की विधि शुरुआत मानी जाती है। नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार, नवरात्रि नवमी तारीख 14 अक्टूबर 2021 गुरुवार, नवरात्रि दशमी तारीख 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को तय की गई है, जिसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोविड-19 के वर्तमान माहौल के बीच दुर्गा पूजा का सफल आयोजन करवाया जा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।